शादी के बाद तो मैं रोज सुबह सुबह उठ के पिटता हूँ। तो बच्चों से पिटते ना अपने फातिमा जी। फातिमा सही कर रहा हूँ ना। अब कमर को पर्दा उठाना है सर, आप पर्दा उठा दे, आप बताएं कि ओके क्या कमर सलान पहला ऑडिशन देसी ड्रामे में कास्ट कर लिए गए थे? बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था बाबर जावेद को। वो प्रोजेक्ट था, एक टेलीफिल्म थी एक्चुअली, उसमें समीना पीरजादा और शबीर जान थे, उनका एक बेटा बना था जो कि काफ़ी बिगड़ा हुआ और इस तरह का सीन किए मैंने पहले दिन। तो पहले दूसरे सीन में बाबर जो है वो सेट छोड़ के चला गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो यूँ कर रहे हैं पहले, उसके बाद यूँ कर रहे हैं, उसके बाद उनकी हड़के, उन्होंने कहा यार ये ऑडिशन में तो क्या कर रहा था और ये अभी ये क्या, ये क्या हुआ, क्या था, मुझसे बोला नहीं जाए। कैमरा नर्वस हो गए थे? कैमरा नर्वस हो गया और कुछ स्टार स्टक हो गया, बोल रहा हूँ तो किरण हो रहा है। उसके बाद फिर ऑल थैंक्स टू समीना पीरजादा, उन्होंने कितनी देर तक ये किरण चलता रहा आपका? दो तीन सीन्स बड़ी मुश्किल से निकले, फिर असिस्टेंट ने कुछ मुझे किया, फिर ऑल थैंक्स टू समीना पीरजादा, उन्होंने बिठा के फिर उन्होंने समझाया प्यार से, बहुत अच्छा है वो, और मुझे फौरन समझ आ गया और उसके बाद से आई एम नॉन स्टॉप। जी क्या बचपन, क्या कमर बचपन की शरारत पर पढ़ने वाली बार मार आज भी ना भूल पाए, कभी भी मारनी पड़ी। अच्छा किसी से भी ना, टीचर से बिकॉज फ्रेंड्स से सारे टीचर बचपन से, और घर में अम्मा भी दोस्त और फादर भी दोस्त। शादी के बाद तो मैं रोज सुबह सुबह उठ के पिटता हूँ। तो बच्चों से पिटते ना अपने फातिमा जी। फातिमा सही कर रहा हूँ ना। क्या कुंवर क्रिकेट खेलते थे? क्या कुंवर क्रिकेट खेलते थे लेकिन बहनों को बैटिंग नहीं देते थे। बहनों को बैटिंग देता था मैं, हम लोग टेस्ट मैच खेलते थे। पांच पांच दिन लगे हुए बिकॉज हमारे घर लॉट चल रहा है भाई इनका। तो अगर वनडे खेलें तो जो छोटी बहनें थी वो एक दिन में कट जाएंगी, तो हम टेस्ट मैच खेलते थे, बोलते थे कि, अब फिर मैं उनको बोलता था कि ये कमिटमेंट हो गया। तो मतलब चार दिन आप बैटिंग करते थे, एक दिन बहनों को बैटिंग मैं उनसे भी कराता था, बैटिंग फील्डिंग सब कराता था, लेकिन मैं बोलता था कि ये अगर आपने टेस्ट मैच कर लिया है तो अब आपको 5 डेज खेलना है ये। तो वो उनके दिमाग के अंदर, क्यों छोटी थी, मैं भी छोटा ही था ऑब्वियसली। किस एज ग्रुप में थे आप लोग? 6th 7th क्लास में मैं था, 3rd 4th में छोटी बहनें होंगी। ये होते हैं बड़े बड़े भाई होता है ना, बड़ा वाला इस तरह मिसयूज करता है छोटा। तो इस तरह से मैं उनको बोलता था कि टेस्ट मैच है या बीच में से छोड़ नहीं सकते। कहते थे वॉक पे जाना है तो दो घर इधर के दो घर उधर के, इधर उधर नहीं जाना। फिर अच्छी बात है ना, वो सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है यार। पांच बहनों का एक भाई होता है तो वो इसी तरह होता है, तो एक मॉनिटर होना चाहिए। जी क्या कंवर ने प्लान बनाया था जूतों का कारोबार करने का? बिल्कुल बनाया था। अच्छा, और मैं करूंगा भी इंशाल्लाह। सो मेरा और फहद मुस्तफा, वी हैड प्लान द कंप्लीट थिंग कि हम लोग ये काम करें। गुड, लाइक साल दो साल में मे बी आप लोग एक ब्रांड देखें शूज का जो हम लॉन्च करेंगे। गुड गुड ओके। क्या कवर बहुत मुतासिर हैं भारतीय अदाकार शाहरुख खान से? बहुत ज्यादा। आई लव हिम मैन, आई लव हिम, नॉट एज एन एक्टर, जो उसकी स्ट्रगल और the dedication. He's very smart and very witty. He's very smart और मुझे उस point of view से ना अच्छा, very smart भी मेरे ख्याल से गलत word है, वो है street smart. Street smart, exactly. पता है कि किससे किस तरह बात करें। Exactly. तो वो मुझे बड़ा inspire करता है। बचपन में मुझे उसकी films inspire करती थी। मैंने बहुत negative characters किए। मुझे बड़ा मजा आता है। वो शाहरुख खान छापा था या क्या किया? नहीं नहीं शाहरुख खान नहीं छापा। उसको मैं छाप के उसको disrespect नहीं करना चाहता। देखो ये honest आदमी है। ये honesty है।